Kids, how are you all? I hope you all are well at home. Am I right? Very good. Kids, now revision time. अभी क्या है बेटा? Revision time है. और हम लोग revision क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके test चल रहे हैं. Test चल रहे हैं ना बेटा? कैसे हो रहे हैं आपके test? अच्छे हो रहे हैं? अच्छा अच्छा सुनाते हो ना आप अपने teacher को? और भी अच्छा सुनाओगे, ठीक है? सबसे पहले तो सब बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट. आप अच्छे अच्छे एग्जाम्स दो, चाहे वो रिटन है चाहे वो ऑरल है बेटा, अच्छा अच्छा करो, ठीक है बेटा? तो अभी आपका मैथ्स का ऑरल एग्जाम भी हो गया है और इंग्लिश का ऑरल एग्जाम भी हो गया है. तो अब हमारा हम किसकी प्रिपरेशन करेंगे बेटे? हिंदी ऑरल एग्जाम की. किसकी प्रिपरेशन करेंगे बच्चे? हिंदी के ऑरल एग्जाम की. तो बेटा मैं आपको बता दूं कि हिंदी के ऑरल में क्या क्या सिलेबस आना है. एक तो हमारा आना है स्वर, व्यंजन, दो अक्षर का जोड़, तीन अक्षर का जोड़, और जितनी भी कविताएं, जितनी भी राइम्स हैं आपकी हिंदी में, थ्री राइम्स हैं और वो थ्री राइम्स आएंगी. ओके बेटा, तो अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा? स्वर का रिविजन स्टार्ट करेंगे. ओके, शैल वी स्टार्ट? ओके, लेट स्टार्ट. तो किड्स लुक एट द व्हाइट बोर्ड बेटा. ये क्या है हमारे स्वर? स्वर कौन से होते हैं बेटा? ए आ इ ई उ ऊ री ऋषि ए ए ओ औ अं अह. ये क्या होते हैं बेटा हमारे स्वर? आपको बता दूं कि हमारी हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं बेटा. और ये तो ज्यादा है ना, 11 से तो दो ज्यादा है, टू ये स्वर ज्यादा है, री ऋषि और अंगह. ठीक है बेटा, तो मैं आपको बता दूं कि री ऋषि और अंगह जो है वो लिखित रूप में स्वर है लेकिन मौखिक रूप में स्वर नहीं कहलाते. ओके बेटा, तो अभी आप लोग क्या करोगे मेरे साथ साथ? स्वर को पढ़ोगे, ठीक है? बोलो ए आ, ए आ इ ई उ ऊ री ए ए ओ औ अं अह. ठीक है बेटा, अब तो आप बिग हो गए हो ना, बड़े बच्चे हो गए हो. अब मैं ये नहीं करवाऊंगी ऐसे अनार आसी आम, नहीं, क्योंकि आपके तो दो अक्षर की जोड़, तीन अक्षर की जोड़, चार अक्षर की जोड़ है ना, ये सब आ गया है ना. तो अभी हम इसको कैसे बोलेंगे? ए आ इ ई उ ऊ री ए ए ओ औ अं अह. क्लियर बेटा, ये थे हमारे स्वर. और अब हम क्या रिवाइज करेंगे बेटा? व्यंजन. क्या रिवाइज करेंगे बच्चे? व्यंजन. तो अभी हम लोगों ने, मैंने यहाँ पर व्यंजन लिखे हुए हैं बेटा, आप लोग ध्यान से देखना. ओके, देखो व्यंजन कौन से होते हैं बेटे? ये वाले ग ख ग घ अंग, ठीक है? ये होते हैं हमारे व्यंजन. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटे. बोलो क ख ग घ अंग. ओके, दोबारा ये लाइन बोलो क ख ग घ अंग. क्लियर? उसके बाद क्या कौन सी लाइन आती है बेटा हमारी? च छ ज झ ञ. ओके, च छ ज झ ञ. क्लियर? थर्ड लाइन हमारी कौन सी होती है बेटा? ये वाली ट ठ ड ढ अण. दोबारा से देखो ट ठ ड ढ अण. ओके, इसके बाद हमारी नेक्स्ट लाइन कौन सी होती है बेटा? ये वाली त ठ द ध न. ओके, कौन सी दोबारा बोलेंगे हम? त ठ द ध न. क्लियर? नेक्स्ट लाइन हमारी कौन सी होती है बेटा? ये वाली प फ ब भ म. ओके, प फ ब भ म. क्लियर? इसके बाद हमारी नेक्स्ट लाइन होती है बेटा ये वाली य र ल व. य र ल व. क्लियर? नेक्स्ट लाइन कौन सी होती है हमारी? श, फिर श षटकोण, स ह. श षटकोण, स ह. बेटा ये तो होते हैं हमारे व्यंजन.
और बेटा फोर हमारे संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं बेटा, जिस इस एक व्यंजन में ना हमें दो लेटर की साउंड सुनाई दे रही है, दो शब्द की साउंड सुनाई दे रही है, दो वर्ड्स की। कौन से जैसे देखो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्ष क्ष क्ष, इसमें ना हल्की सी क की साउंड भी आ रही है, तो क की साउंड भी आ रही है और श की साउंड भी आ रही है, दो दो उसकी साउंड आ रही है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं संयुक्त। संयुक्त मतलब जिसमें दो वर्ड्स की साउंड आ रही है, ठीक है, दो दो चीजों की। जैसे इसमें किसकी आ रही है बेटा, क और श की, तो इसको बोलते हैं क्ष। क्या बोलते हैं, क्ष क्ष। और ये क्या है बेटा, त्र, त और र की साउंड आ रही है तो इसको बोलते हैं त्र। और ये क्या है, ग्य, ग और य की साउंड आ रही है इसीलिए इसको बोलते हैं ग्य। और ये क्या है बेटा हमारा, श्र, इसमें श और र की साउंड आ रही है इसीलिए इसको बोलते हैं श्र। आप देखो इन चारों व्यंजन में दो दो लेटर की साउंड आपको आ रही है इसीलिए इसको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन, ठीक है बेटा। तो एक बार हम जल्दी से रिपीट करते हैं बेटा, ध्यान से देखना। क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। और ये संयुक्त व्यंजन क्ष त्र य श्र, ठीक है बेटा। तो अभी हमने क्या रिवाइज किया बेटा, स्वर और व्यंजन। अब हम लोग क्या रिवाइज करेंगे बेटा, दो अक्षर का जोड़ और तीन अक्षर का जोड़ और हमारी कविताएं, ओके बेटा। अब हम क्या करने वाले हैं बेटे, दो अक्षर का जोड़। तो ये मैंने लिखा है दो अक्षर का जोड़, ठीक है बेटा। अगर आपको स्वर और व्यंजन बोलने आते हैं तो ये आपके लिए बहुत इजी है, इजी है ना। मैंने अभी स्वर और व्यंजन की प्रिपरेशन करवाई ना। अब हम कैसे बोलेंगे इसको देखो, ज ग जग, ज ग क्या बन जाता है, ज ग जग, ओके। ख त खत, ख त खत, घर घर, घर घर, वन वन, वन वन, टब टब, टब टब, नथ नथ, ओके बेटा। इसी तरह ही एक बार मैं दोबारा करवा रही हूँ, और भी बहुत सारे दो अक्षर के जोड़ होते हैं, लेकिन बहुत सारे करवाने तो पॉसिबल नहीं है ना बेटा। अगर आपको मेथड आता है तो कोई भी दो अक्षर का जोड़ आ जाए आप अच्छे से बोल सकते हो, ठीक है। जग जग, खत खत, घर घर, वन वन, टब टब, नथ नथ, ओके बेटा। ये थे हमारे दो अक्षर के जोड़। ऐसे ही तीन अक्षर के जोड़ हैं, वो भी बहुत ही इजी है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, तीन अक्षर का जोड़, क्या करेंगे, तीन अक्षर का जोड़। तो आप देखिए ध्यान से सुनो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तीन अक्षर का जोड़। क्या लिखा है बेटे मैंने यहाँ पर, कलश, क्या बन गया, कलश, वेरी गुड, कलश कलश, कलश कलश, ओके। नेक्स्ट देखो क्या है बेटा, ह व न हवन, क्या बन गया बेटे, ह व न हवन। और ये क्या है नेक्स्ट देखो, म ग र मगर, म ग र मगर, कटर कटर, क्या बन गया बेटा, कटर कटर, कमल कमल, कमल कमल, न य न नयन, न य न नयन, ओके बेटा। तो एक बार दोबारा करवा रही हूँ, ध्यान से देखना। और भी बहुत सारे तीन अक्षर के जोड़ होते हैं, तो आप अगर आपको बोलना आ गया बेटा तो कोई भी तीन अक्षर का जोड़ हो तो आप अच्छे से कर सकते हैं। एक बार हम दोबारा करते हैं, कलश कलश, ह
हवन हवन, मगर मगर, कटर कटर, कमल कमल, नयन नयन। ऐसे ही और होते हैं पवन पवन, गगन गगन, है ना। और भी बहुत सारे होते हैं बेटा, तो आपको बोलना आगे ना तो आप अच्छे से कर सकते हो। ओके बेटा, तो अभी हमने स्वर का रिवीजन, व्यंजन का रिवीजन, दो अक्षर का जोड़, तीन अक्षर का जोड़, इन सब का रिवीजन कर लिया है। अब किसकी टर्न है, अब हम लोग क्या करेंगे, हिंदी में जो आपकी राइम्स हैं, जो हिंदी में आपकी कविताएं हैं, अब हम लोग उसका रिवीजन करेंगे। ओके बेटा, आपने क्या करना है, विद एक्शन उसको अच्छे से लर्न करना है और उसको फॉलो करना है, और विद एक्शन ही मुझे करके दिखाना है टेस्ट में। ओके बेटा, ओके। हम अपनी कविता की रिवीजन करने जा रहे हैं। हमारी फर्स्ट जो कविता है बेटा वो है घड़ी। आपने विद एक्शन उसको फॉलो करना है। ओके बेटा, ध्यान से देखना। ओके, टिक 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 चलती है तनिक नहीं जो थकती है, उठो समय से और पढ़ो तुम, खेलो खाओ काम करो तुम, घड़ी समय की कीमत जाने, बात घड़ी की हम सब माने। ओके बेटा, एक बार और करवा रही हूँ, ध्यान से देखना। टिक 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 चलती है तनिक नहीं जो थकती है, उठो समय पे काम करो तुम, खेलो खाओ, सॉरी बेटा दोबारा करवा रही हूँ, ध्यान से देखना कैसे करना है बेटा। टिक 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 चलती है तनिक नहीं जो थकती है, उठो समय पे और पढ़ो तुम, खेलो खाओ काम करो तुम, घड़ी समय की कीमत जाने, बात घड़ी की हम सब माने। ओके बेटा, इसके बाद हमारी नेक्स्ट राइम है चांद की सैर, ध्यान से देखना। आओ सब तैयार हो जाए, चलो चांद की सैर को जाए, सब अपना मन बहलाए, चंदा के घर हो आए, रॉकेट है अपना तैयार, जल्दी से हो जाओ सवार, दूध मलाई लड्डू पेड़े, हम सब मिलकर खाएं। ओके बेटा, इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट राइम है वो क्या है, होली, ध्यान से देखना बेटा। होली का त्योहार है आया, आओ डूबे मस्ती में, सबको रंग गुलाल लगाए, धूम मचाए बस्ती में। ओके बेटा, तो ये आपकी थ्री राइम्स थी बच्चे, आपने अच्छे से रिवाइज करनी है इसको, मैंने पहले भी करवाया हुआ है ना। और बेटा ये हमारा हिंदी का सिलेबस है, आपने इस सारे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करना है और अच्छा अच्छा टेस्ट देना है। ओके बेटा, ओके, बाय बाय, टेक केयर।